पर्यावरण सचेतक समिति के संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरण विद ग्रीन मैन हरित ऋषि विजयपाल बघेल के आगमन पर कटघर रेलवे लाइन के पास नगर निगम की ग्रीन पट्टी में हरित ऋषि विजयपाल बघेल और आर के सैनी मंडल मंत्री कटघर, भाजपा जिला महासचिव नेपाल सिंह पाल, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह, राम रतन सिंह सभी ने संयुक्त रूप से अमलतास और गुलमोहर का पौधा रोपित किया। इसी क्रम में जामन, चितवन, अर्जुन, कनक, चंपा सहित 5 पौधे रोपित किए गए। बघेल ने बोलते हुए कहा कि सांस है तो आस है, अर्थात हरे पेड़ पौधे हैं तभी हमारा जीवन है, इसीलिए हमें जीवन में कम से कम 5 पौधे लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। बुजुर्ग शिव कुमार शास्त्री ने कहा कि पेड़ पौधे LIC जीवन बीमा की तरह हैं, जैसे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इसीलिए पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। जिला महासचिव नेपाल सिंह पाल ने कहा कि समिति का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण के साथ ही पौधों की रक्षा करना भी है। आर के सैनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए पौधे रोपण में भागीदारी करने वाले सभी सदस्यों को आभार प्रकट किया। आज यहाँ इंदिरा कॉलोनी के पास, यहाँ मेन रोड के पास में एक रेलवे की जगह है, यहाँ आज हमने पौधारोपण का कार्यक्रम करा है डबल फाटक के पास में। और इससे पूर्व अभी नए साल वाले दिन 1 जनवरी 2018 को हमने पीतलनेर गेट पर ही पौधारोपण किया था। हम ये संदेश देना चाहते हैं, पौधारोपण करने से एक तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा तो हम लोगों की जो जहरीली इस समय हवा चल रही है वो जहरीली हवा जो है वो साफ़ हो जाएगी, जिससे हमारी सांसें कुछ बढ़ने की उम्मीद है। तो मैं ऐसी समस्त महानगर वासियों से अपील करता हूँ, जब भी मौका लगे एक पौधा ज़रूर लगाएं और हमारे साथ आना चाहें, हमसे कोई सहयोग चाहते हैं या हमें सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे साथ आके भी समय समय से पौधा लगा सकते हैं। पेड़ों की जो कमी हो रही है इसकी वजह से हमारी सांस कम हो रही है, और सांस अगर बचानी है तो हमको पौधारोपण करना है और लगे पेड़ों को हमको बचाना है। अभी अभी जो दिक्कत आ रही है, चाहे हमारी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे हमारे जो बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो सांस की वजह से बढ़ रही हैं, क्योंकि सांस में हम जहर पी रहे हैं और उन जहर को शोधन करने का काम केवल पेड़ करते हैं, और पेड़ कम हो रहे हैं, सांस कम हो रही है, इसलिए हम हर आदमी को जरूरत के हिसाब से कम 5 पेड़ हर हालत में लगाने चाहिए, लगाना ही नहीं चाहिए, उसको बचाना चाहिए। अच्छा सर, कब से आप इस अभियान में जुड़े हुए? मैं बचपन से ही इस अभियान में जुड़ा हूँ और पूरी दुनिया में हरियाली बढ़ाने का एक मिशन लेके चले हैं। केवल हमारा लगाने का ही पूरा उद्देश्य नहीं होता है, हमारा इस धरती को, इस वसुंधरा को हरियाली की चादर उड़ाने का होता है, क्योंकि जितना हरित क्षेत्र होगा उतना हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा।